इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जब आप फ़ोन पे का वेरिफिकेशन करते हैं या फिर फ़ोन पे का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर आपको मैसेज वगैरह भेजनी पड़ती है वेरिफिकेशन के लिए। तो वहाँ पर आपको इस तरीके से दिखा सकता है जिसमें क्या लिखा है, नॉट सेंड, टैप टू ट्राई अगेन, नॉट सेंड, टैप टू ट्राई अगेन। तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स किया जाए, एक क्यों दिखाता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब भी कर ले। तो देखिए इसका क्या मतलब होता है, तो नॉट सेंड, टैप टू ट्राई अगेन, इसका मतलब यही है कि आप जो मैसेज भेजना चाहते हैं वो मैसेज सेंड नहीं हो पा रही। अब इसका रीज़न हमें ढूंढना होता है कि ये हमारे मैसेज क्यों नहीं सेंड हो रहे। मैसेज सेंड ना होने की दो मुख्य वजह होती है, दो रीज़न होते हैं। सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बता दूँ तो वो रीज़न क्या होता है कि आपके पास रिचार्ज नहीं होता, ठीक है। मतलब आपके पास मेन रिचार्ज होता है, आप बात कर सकते हैं किसी से, इंटरनेट चला रहे हैं, बट आपके पास SMS पैक नहीं होता है, ठीक है। आपने जो रिचार्ज किया है उसमें आपको इंटरनेट या फिर कॉलिंग वगैरह तो मिली है, बट उसमें आपको जो है SMS वाला पैक नहीं मिला है। ऐसे हमें ऐसा लगता है कि हमें SMS पैक भी मिल चुका होगा क्योंकि हमने काफ़ी बड़ा रिचार्ज किया है, क्योंकि हम उस समय चेक नहीं करते कि हमें क्या क्या इस रिचार्ज पर मिला है। तो ये सबसे बड़ा और मेन रीज़न होता है क्योंकि हमने रिचार्ज जो किया है उसमें आपको SMS पैक नहीं मिले है। और अगर SMS पैक आपको नहीं मिलते हैं तो उस केस में आप जो है SMS किसी को नहीं भेज सकते, चाहे वो फ़ोन पे हो या फिर कोई अल्टरनेटिव या फिर कोई पर्सनल नंबर ही क्यों ना हो, ठीक है। ये मेन रीज़न होता है। तो इसलिए एक बार अपना जो भी सिम है या फिर जो भी आपने रिचार्ज किया है उसके ऊपर चेक कर लीजिएगा आपको SMS पैक मिला है कि नहीं, ठीक है। एक तो ये होता है। दूसरा क्या होता है कि दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपका जो इंटरनेट सॉरी नेटवर्क जो होता है, जिसे हम रेंज भी बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं, तो अगर नेटवर्क वीक होता है, कम होता है, तो उस केस में भी हमारा जो SMS है वो सेंड नहीं हो पाता। ये काफ़ी रेयर केस होता है, बट काफ़ी ऐसे जगह होती है जहाँ पर नेटवर्क की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो एक बार आप चेक कर लीजिए कि आपका नेटवर्क किस तरीके का है, एंड अगर आपका कम नेटवर्क है तो आपको उसे, मतलब जब तक वो इंक्रीज़ नहीं होगा, जब तक आपको फुल नेटवर्क या फिर लगभग 3-4 जो होती है, मतलब इस तरह से लाइन्स आती है, तो वो जब तक 3-4 ना हो तब तक आपकी SMS सेंड नहीं होने वाली। तो सॉल्यूशन बस यही है, एक तो आप अपना SMS पैक का अगर रिचार्ज नहीं है तो उसे करवा लीजिएगा, और दूसरा अपनी नेटवर्क को भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों सॉल्यूशन आप अपने हाथों से कर सकते हैं, काफ़ी ईजी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।